हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ ड्यूटी पे और पहुँच तो चुकी हूँ 8 बजे की। अब तो 9 बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। और देखिए, रात से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, काफ़ी बारिश लगी हुई थी और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी थी जाखू में। बट अभी देखिए, बहुत बर्फ़ लग चुकी है और लगता है कि अब यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ने वाली है। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी लग रही है, आप लोगों को दिख रही होगी। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, बर्फ़ लग चुकी है। और तो फ्रेंड्स देखिए, मौसम हो चुका है कितना सुहावना और बर्फ़ लग गई है। शिमला में बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं जो सिर्फ ये बर्फ़ देखने के लिए ही ठंड के दिनों में आते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही सुहावना मौसम है और टूरिस्ट तो मज़े ले रहे होंगे इस मौसम के। तो मैं अभी राउंड लगा के आ रही हूँ और हल्की हल्की सी बर्फ़ अभी भी लगी हुई है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी है बट हल्की हल्की लगी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, ये अगले दिन की वीडियो है और मैं तैयार हो चुकी हूँ ड्यूटी जाने के लिए। और अभी बाहर अंधेरा है, देखो कितना अंधेरा रहता है सुबह सुबह जब मैं ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। और हल्की हल्की सी बर्फ़ जम चुकी है यहाँ पे, बहुत कम बर्फ़ पड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है। वैसे रात को बहुत ठंडा हो गया था, मौसम लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी बट उतनी नहीं पड़ी है। और देखिए, अभी अंधेरा है, अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि शिमला में कितनी कितनी बर्फ़ पड़ी है। तो ये है हमारे शिमला का हाल, और बहुत ही कम बर्फ़ पड़ी है क्योंकि टूरिस्ट को तभी मज़ा आता है जब काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि वो बर्फ़ देखने के लिए ही तो शिमला आते हैं। और इस बार बहुत कम बर्फ़ पड़ी है, अभी हो सकता है कि इस महीने में आगे फिर पड़ जाए, लेकिन अभी बहुत कम पड़ी है। तो देखिए, ये सीढ़ियाँ और ये थोड़ी थोड़ी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और भी वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को बर्फ़ अच्छी लगती है और कौन कौन बर्फ़ देखने के लिए शिमला आए हैं। तो देखिए, अभी सुबह सुबह का टाइम है और इस बर्फ़ के ऊपर अभी कोई भी नहीं चला है। देखिए, सीढ़ियाँ बिल्कुल क्लियर है और मैं चल रही हूँ अभी बर्फ़ के ऊपर। और अच्छा हुआ कि मैंने शूज़ ले लिए हैं पहले ही, वरना मेरे शूज़ गीले हो जाते और पांव ठंडे हो जाते, तो इसलिए मैंने ड्यूटी के लिए पहले ही शूज़ ले लिए थे। तो देखो, जब ताज़ी ताज़ी बर्फ़ होती है तो उसके ऊपर चलने का बहुत मज़ा आता है और आराम से चल भी सकते हैं, स्लिप नहीं होते। लेकिन अगर ये 2 दिन पुरानी हो जाए और इसके ऊपर कोहरा जम जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपी स्लिपी हो जाती है और फिर इस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, रोड में भी पूरे काफ़ी बर्फ़ पड़ी है, देखने के लिए अच्छा है बच्चों को कि बर्फ़ पड़ी है। वैसे उतनी तो नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए, तो हम वेट करेंगे कि बर्फ़ पड़े और मज़ा आए, क्योंकि मुझे भी बहुत सालों के बाद ऐसा टाइम लगा है कि मैं सर्दियों में बर्फ़ के टाइम पे यहाँ पे हूँ। और नहीं तो बहुत टाइम हो गया था, शादी के बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था कि मैं बर्फ़ के टाइम में या सर्दियों के टाइम में यहाँ पे आ सकूं। तो देखिए, आज मुझे ये मौका मिला है बर्फ़ देखने का। और इस साल तो मैं पूरे सर्दियों में यहीं पर हूँ,